ढाका के विधानसभा के जर्जर सड़कों का जन अधिकार पार्टी ने पोल खोल दिया। घोड़ासहन प्रखंड के सभी मुख्य सड़कों का हाल बद से बदतर है। जन अधिकार पार्टी से ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता अभिजीत सिंह द्वारा लगातार ढाका विधानसभा के सभी जर्जर सड़कों का पोल खोल कर रख दिया है। इस कड़ी में घोड़ासहन शहर के वीरता चौक से राजकीय मध्य विद्यालय होते हुए श्रीपुर चौक तक जाने वाली सड़क का हाल जर्जर है, जहां जाप नेता अभिजीत सिंह ने सड़क का निरीक्षण करते हुए ढाका विधानसभा के विकास कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यहां के वर्तमान प्रतिनिधि कहते हैं कि हमें लगता है कि शहर विकास कर रहा है। वहीं घोड़ासहन मार्केट में जाने वाली प्रमुख सड़कों का हाल नरकीय बनी हुई है। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने कहा कि घोड़ासहन बाजार को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क का हाल जब इतना बदतर हो सकता है तो ग्रामीण सड़कों का हाल कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह कहा कि इस सड़क से होकर जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी गुजरते हैं, लेकिन इस नरक से निजात दिलाने की दिशा में कोई पहल नहीं किया है। जाप नेता अभिजीत सिंह ने कहा, देखिए पोल खोल जो एक अभियान हम लोगों ने चलाया था सड़क के ऊपर, ढाका विधानसभा के अंतर्गत जो पूर्वी चंपारण में पड़ता है, यहाँ की स्थिति आज हम लोग मदरसा चौक पे खड़े हैं। ये वही चौक है जहाँ से घोड़ासहन का मेन रोड है। जो सबसे पहले जो चौक बना घोड़ासहन में वो बिरता चौक था, आज उसी रोड पर हम लोग खड़े हैं और उसकी स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ आज रोपनी करने की स्थिति बन गई है। दो दिन पहले बारिश हुआ है और तब की स्थिति ये है। यहाँ करीबन करीबन नहीं तो यहाँ घोड़ासहन का सारा बाजार, सारे बड़े व्यापारी छोटे व्यापारी की दुकानदारी यहीं से होती है और उसकी स्थिति यह है कि यहाँ नर्क से भी ज़्यादा अगत्तर स्थिति में लोग रह रहे हैं। पीछे इसके पीछे आजाद नगर है, वहाँ के लोगों को भी निकलने में समस्या हो रही है। सड़क पर आने का मतलब है कि आप अपने चप्पल को अपने हाथ में ले लें, जिस प्रकार हम लोग ले रहे हैं चप्पल। ये देखिए ये स्थिति है, ये स्थिति है इस ढाका विधानसभा की। ढाका विधानसभा के 37 के 37 पंचायतों में जो है यही स्थिति है। काम के नाम पर केवल और केवल लूट है, केवल और केवल लूट मची हुई है यहाँ पर। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई सड़कें नहीं बन रही हैं। जो सड़कें बनी भी हैं, जो पीछे 3 महीने पहले बनी भी हैं, वो टूट चुकी हैं। क्या उस सड़कों की जो टूटी हुई स्थिति है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगा? हम लोगों ने डीएम साहब को भी पत्र लिखने का काम किया था। यहाँ के 16 सड़कों के बारे में हमने डीएम साहब को लिखने का काम किया था, जिसमें कि भेलवा चिरैया पथ भी था, जिसमें कि यहाँ की भी सड़कों का नाम था और भी कई सड़कों का नाम था, लेकिन आज तक न जिला अधिकारी ने, न किसी अधिकारी ने, न ब्लॉक के किसी अधिकारी ने यहाँ पर आने का और किसी भी सड़क का सर्वे करने का आज तक कोई काम नहीं किया। रेल की जो सड़क है उसकी भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए कई गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है और ये जो सरकार है, वर्तमान की जो एनडीए सरकार है, ये केवल और केवल जात और धर्म की राजनीति पर आश्रित है। इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsahi.com। 55 इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए